देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद बांध लेने के बाद मनुष्य डिप्रेशन का शिकार होता है। जी तो आप उसी ओर जा रहे हैं, आप निराशा भाव की तरफ जा रहे हैं और ये सफलता की निशानी नहीं। हमारी नज़र में तो पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो एक ऐसी लेकिन ढाल है जो मुसीबत में हमारी सपोर्ट करती है। आपने प्रेस्टीज के मतलब कुछ कुछ मतलब समझ लीजिए बहुत एकदम पास होके चले आए हम इतना, तभी इसलिए दुख होता है ना कि लगता है कभी कभी कि अभी हम ले सकते हैं, ले अभी भी चल रहा है मतलब। एक जी बात बताइए, हाँ एक माता के गर्भ में बच्चा है, उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान? हाँ भगवान या माँ नहीं, ही माँ क्या माँ करेगी, ही माँ तो ठीक है, भगवान हाँ करते हैं। तो पैदा होने के हाँ पहले से मरने के बाद तक की जिम्मेदारियां भगवान की होती हैं, तो फिर आप निराश क्यों होते? बिल्कुल सही कह रही है आप आप। इलाहाबाद में जन्म लेकर, गंगा जी किनारे जन्म लेकर निराशा भाव से घिर रहे हैं, तो ये तो गलत बात। हाँ जी। अरे पता नहीं आपके लिए कौन सा पद सुरक्षित करके रखा है और आप एक सिपाही के लिए दौड़े जा रहे हैं। वही चीज मतलब, लेकिन वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि कब तक कुछ आगे, कब तक कितने साल ऐसे होते देखिए, हैं एक बात और कब बताएं, तक। एक बात और आपको बता दें, हम हमारी ज्योतिष तो ज्योतिष है, जो भी है भगवान जाने, कुछ महादेव की कृपा है, हमको नहीं पता। नहीं, हम तो देख रहे हैं 3 महीने से, हमें विश्वास है हम आपको। आपको हम बता रहे हैं पूरी बात, तो हमारे ऊपर कुछ महादेव की कृपा है। जी परंतु सच बात यह है अंशुमान जी कि बहुत से प्रकृति के रहस्य नहीं खोलने चाहिए और नहीं खोले जाते और वो अनुचित है उनको खोलना। जी अच्छा परंतु हमारा एक वाक्य आप याद रखिए वाक्य, कि आप हाँ जीवन में बहुत संपन्न व्यक्ति रहेंगे, सुखी व्यक्ति रहेंगे, बस आप हिम्मत मत हारिए। और जिस दिन आप बहुत संपन्न और सुखी हो जाएंगे, जी उस दिन आप जरूर ये बात मानेंगे कि कोई गुरुजी थे, उनने ऐसा कहा, या कोई गुरुजी से बात हुई थी, उनने ऐसा बोला था। जी हाँ अब आप धीरज रखिए, है ना? ठीक ठीक है, ठीक, चलिए। ठीक